मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अब नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत होगी महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य, नए विद्यार्थियों का हुआ दीक्षा आरंभ। नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया जाएगा, जिसको लेकर नए छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में जानकारी दी गई। शक्ति जिले के शासकीय महाविद्यालय ढबरा में आज दीक्षा आरंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महाविद्यालय में नवप्रवेशी छात्र छात्राओं को तिलक लगाकर आज उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के विधायक राम कुमार यादव एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रीतम अग्रवाल उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम के ध्येय महाविद्यालय स्टाफ के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। दीक्षा आरंभ कार्यक्रम में नव प्रवेशी छात्र छात्राओं का स्वागत अभिनंदन करके नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। नए शिक्षा नीति इस वर्ष से लागू हो रही है, जिसके तहत सेमेस्टर के अनुसार से परीक्षाएं होंगी। इसके अलावा प्रत्येक 2 माह में टेस्ट का आयोजन किया जाएगा एवं साइंस वाले स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट आर्ट का और आर्ट के स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट साइंस का लेना अनिवार्य होगा, ताकि छात्रों को बहु विषयक ज्ञान हो सके। छात्रों ने इस नए शिक्षा नीति का स्वागत करते हुए अपने लिए इसे हितकर बताया है। साथ ही उसमें भारी उत्साह है कि वे इस नए शिक्षा नीति के प्रथम विद्यार्थी होने वाले हैं। शिक्षा आरंभ के इस मौके पर शासकीय महाविद्यालय ढबरा के प्रिंसिपल कटोतिया एवं सभी सहायक प्राध्यापक तथा महाविद्यालय स्टाफ व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। ढबरा से दिनकर भास्कर की खास रिपोर्ट। गुड आफ्टरनून टू ऑल। एक्चुअली हम जो इस साल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, हमें ना इससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिले, जैसे इस बार सेकंड सेमेस्टर होगा, मतलब 2 सेमेस्टर होगा 1 ईयर में, है ना। तो 2 सेमेस्टर में हमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलता है, हमें एक्स्ट्रा सीखने के लिए भी मिलता है हर चीज, मतलब इससे हमें बेनिफिट भी बहुत अप्रूव हुआ है। नए शिक्षण पद्धति का आप लोग पहले स्टूडेंट को कैसा फील हो रहा? बहुत अच्छा। जैसे जो गरीबी में हम यहाँ तक आए, मैं समझता हूँ माँ बाप स्कूल भी भेज डाली थे, बहुत बड़ी बात है। हम तो ऐसे जगह पैदा हुए, माँ बाप और कमाए कोड़े की तो वही पैदा हो रहे हैं, और वहीं से आकर के 2 कक्षा पढ़ के यहाँ पर आए। ओकर खातिर मोर तरफ से प्रयास रहते शिक्षा तरफ से, मोर व्यक्तिगत सरकारी नहीं, आप मैं देखे हुई है कि 2-3 साल हो गए जो 10वीं 12वीं में टॉप कर थे, जैसे मात्र 12वीं ले गए हैं, तो साल तो 10वीं ले गए हैं। ओ मल्ला ये दुनिया ला बताए के नाम से कि दुनिया कैसे है, हमने अभी भी बहुत सारा चीज नहीं जाना था, दुनिया कैसे है तेरा सर जी जाना तो एक आपका प्रिंसिपल है तो बहुत नहीं सब है नहीं जाना है। हाँ फिर भी नहीं जहाज चेकिज के भैया जहाज ही चढ़े हैं देखा लेकिन गुरु जी ले जाए लगे मेरे प्रिंसिपल साहब। मैं ये समझता हूँ कि आदमी दुनिया ना देखा है, दुनिया ना देखते तो पाए के लिए वो संघर्ष करते। आप कोई चीज ना जैसे हमारे लेके रहा उसी खवाए था हमें नहीं खाई कहा, लेकिन मौके में रसगुल्ला खवा दे तो लेकर रहा था वही बतावा दिल खावो कहते। उसी प्रकार के दुनिया के बारे में आप जानिया तो पाए के लिए आप संघर्ष करिया। एक खातिर मोर तरफ से हम कोशिश कर सर हम पूरा टीम की तरफ से कि वो मल्ला एक शिक्षणी दौरा करा करके वो मल्ला जो है देश दुनिया के बारे में बताना, जहाज चढ़ाना और IIT के बाद जो भी है वो सब बताए के प्रयास करता। हमारे बीच में ओम प्रकाश पटेल जी और रत्ना निराला, मैं मराठी बिलोंग करती हूँ। नए शिक्षा नीति से हमें बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। हम लोग BA फर्स्ट ईयर में है, हमें यह नीति जो मिला है इसे हमें बहुत ही लाभ हुआ है। हम आर्ट्स के लिए हो उसके अलावा साइंस भी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। यस मैं BA ली हूँ, फर्स्ट ईयर है, इसमें आर्ट के साथ साथ BSc का भी कोई सब्जेक्ट लेना है जिसे हमें बहुत ही लाभ हुआ है। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम रानू मैत्री है और मैं सकराली चारभाटा से बिलोंग करती हूँ। NEP 2020 ने स्टूडेंट के जीवन में बहुत बदलाव लाए हैं। पहली बार आज दीक्षा आरंभ समारोह किया गया, जिसमें माननीय श्री राम कुमार यादव जी मुख्य अतिथि बने थे। हमारे प्राचार्य महोदय भी यहाँ पर उपस्थित है। हमें इससे बहुत अच्छा उत्साह प्राप्त हुआ, क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर में अगर हम आए और अगर कोई पहचान ना हो तो बहुत
के लिए कठिनाई जाती है। अतः इस दीक्षा आरंभ समारोह से हमें बहुत उत्साह प्रदान हुआ है तथा हमें एक नई पहचान मिली है। NEP 2020 के अनुसार अब 6 सेमेस्टर में कार्य किया जाएगा। हर साल 2 सेमेस्टर होंगे जिसमें हर सेमेस्टर में 24 क्रेडिट होंगे। सब सेमेस्टर में हमें 40% लाना अनिवार्य है पास होने के लिए, जिसमें 30 मार्क्स महाविद्यालय द्वारा दिए जाएंगे। 10 मार्क्स हमें लाने अनिवार्य है। मैं डॉक्टर पी आर कठोरिया, इंचार्ज प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज डबरा। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र अनुसार, उनके निर्देशों अनुसार आज दीक्षारंभ कार्यक्रम किया गया, जिसमें 9 प्रतिशत छात्रों को हमने तिलक लगाकर स्वागत किया। साथ ही उनके पालकों को बुलाया गया और उनका भी स्वागत किया गया। और इन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच हमारे लोकप्रिय विधायक श्री राम कुमार यादव जी थे, विशेष अतिथि प्रथम अग्रवाल जी थे और अन्य अतिथिगण आए हुए थे, और उनके सौजन्य कार्यक्रम से इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है। यह कार्यक्रम जो है छत्तीसगढ़ शासन का एक प्रदेश एक पाठ्यक्रम जो लागू किया गया है नई शिक्षा नीति 2020, इसके प्रचार प्रसार के लिए जो है यह कार्यक्रम किया गया है। ये पहली बार है कि पूरे छत्तीसगढ़ में 9 प्रतिशत छात्रों के लिए कॉलेजों में जो है उनका स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ ही साथ हमने 9 नए प्रतिशत बच्चों को जो फर्स्ट ईयर में आए हैं उनको जो है इनका इंडक्शन प्रोग्राम रखे हैं कि नई शिक्षा नीति क्या है, नई शिक्षा नीति का लाभ क्या है, नई शिक्षा नीति में कौन कौन से विषय कैसे चॉइस करेंगे, ये सारे चीज इसमें इंडक्शन प्रोग्राम में दिया जा रहा है। जैसे ये अब सेमेस्टर पद्धति हो गया है, हर 6 महीने में परीक्षाएं होगी, हर 2 महीने में टेस्ट होगी। इसके बाद जो है इनके लिए 7 वर्ष का समय दिया गया है। 7 वर्ष में 3 कोर्स को पूर्ण करना होगा। यदि मान लो कोई बच्चे जो है 1 वर्ष पढ़ लिया, किसी कारणवश करने चला जाता है IIT करने, मेडिकल करने और कुछ करने, तो 2 साल बाद यदि गैप होता है 2 साल के बाद भी आकर सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकता है। तो कुल मिलाकर पूरा उनका जो पाठ्यक्रम होगा वो 7 साल का होगा। या पहली कोर्स करके पहला फर्स्ट ईयर पढ़ के नहीं पढ़ता है उसको हम सर्टिफिकेट डिग्री देंगे। यदि 2 साल पढ़ा है बच्चा और बोलता है हम आगे नहीं पढ़ेंगे तो उनको भी डिप्लोमा डिग्री दिया जाएगा। और यदि इससे 3 क्लास पढ़ लिया 6 सेमेस्टर तब उसको हम जो है स्नातक की डिग्री देंगे। और यदि बच्चे आगे पढ़ना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, तो वो 7वां और 8वां सेमेस्टर करके 4 वर्षीय पाठ्यक्रम ले सकता है और उसको ऑनर्स की डिग्री ले सकता है। तो इस तरह से इसको जो है 4 वर्षीय किया गया है। क्योंकि महाविद्यालय हमारे महाविद्यालय में रिसर्च प्रोग्राम नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है केवल 3 वर्षीय ही रहेगा। और इस तरह से बच्चों के लिए बहुत ही सरल कर दिया गया है। हर सेमेस्टर में 4 यूनिट होगा, 2-2 टेस्ट होंगे, 70 नंबर की सेमेस्टर परीक्षा होगी, 30 नंबर जो है महाविद्यालय द्वारा दिए जाएंगे। और इस तरह से 40% को मात्र लाना होगा, तो 25-30% तो हम दे देंगे, 10-15% उसको यदि लाता है तो आसानी से पास हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो है बच्चे जो है उनको बहुमुखी विकास के लिए इसमें लाया गया है। साइंस के बच्चे आर्ट्स का विषय लेना अनिवार्य है, कॉमर्स का एक विषय लेना अनिवार्य है, आर्ट्स के बच्चे को साइंस और कॉमर्स का विषय एक लेना अनिवार्य है, कॉमर्स के बच्चे को भी आपको आर्ट्स और साइंस का एक विषय लेना अनिवार्य है, ताकि हम PSC परीक्षा अन्य कोई भी प्रकार परीक्षा में जाते हैं तो वहाँ परीक्षाएं सारे विषय से पूछी जाती है। साइंस का विषय रहता है, कॉमर्स का रहता है, आपका आर्ट्स का रहता है, तो इसलिए बच्चों को जो है बहुमुखी विकास कौशल विकास भी कराना है, इसलिए उनको जो है सारे विषय को चॉइस करना होगा। इसके लिए कई प्रकार के जो है ग्रुप बना हुआ है, GE का, VAC का, तो अपने मेन विषय के साथ साथ जो है उनको एक कोर्स करना पड़ेगा। टोटल जो कोर्स होगा 20 क्रेडिट का होगा, 12 क्रेडिट उनका मुख्य विषय होगा, 4 क्रेडिट VAC का होगा, 2 क्रेडिट AEC का होगा और 2 क्रेडिट जो है GE का होगा। इस तरह से ऐसे करके टोटल 20 क्रेडिट होगा। और जो बच्चे 20 क्रेडिट कर लेता है और यदि मान लो वो छोड़ना चाहता है 1 साल के बाद, तो उसके लिए 4 क्रेडिट के लिए और एक तो उनको इंटर्नशिप करना पड़ेगा, तब उसको जो है सर्टिफिकेट मिल सकेगा। ऐसे ही यदि 2 साल के बाद छोड़ना चाहता है तो उस बच्चे को जो है 20, 40, 40, 80 और 4 अलग से इंटर्नशिप, मतलब 84 क्रेडिट लाएगा, तब उसको डिप्लोमा कोर्स का डिग्री दिया जाएगा। और इसी तरह से फाइनल में जो है 40 या 120 ले आता है तो उसको जो है स्नातक की डिग्री दी जाएगी। बहुत ही लग रहा है कठिन, किंतु बहुत ही सरल है बच्चों के लिए और आसानी से जो है बच्चे जो है कंट्री, इसीलिए प्लेटफॉर्म भी है, यदि कोई बच्चे आ नहीं सकते हैं तो 2-3 ऐप गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, उस ऐप के माध्यम से अपने घर में बैठ के पढ़ सकते हैं और बच्चे परीक्षा लेके आ सकते हैं। ये रेगुलर के साथ ही साथ प्राइवेट बच्चों के लिए भी यही नियम है, जो भी अब प्राइवेट बच्चे आएंगे उसके लिए भी ये सारे सेमेस्टर पद्धति होगा, उनको भी टेस्ट देना होगा और उनके लिए भी यही नियम रहेगा।